हेलो यूट्यूब फैमिली, आज हम लोग समझेंगे कि हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं, मीन्स एक चर्म रोग विशेषज्ञ कैसे बन सकते हैं। उससे पहले हम ये लोग एक 2021 के एनालिटिक्स को देखते हैं, एक गणना को समझते हैं। 2021 के एक गणना के अनुसार मात्र एक डॉक्टर पे 1511 पेशेंट है, और वहीं मात्र एक नर्स पे 670 पेशेंट है, और वहीं मात्र एक हॉस्पिटल बेड पे 1000 से ऊपर पेशेंट है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपका जो 12 का बोर्ड एग्जाम होता है उसको पास करना पड़ेगा, वो भी 40% मार्क के साथ। वो भी जो हम लोग का मेन सब्जेक्ट रहेगा वो पीसी भी रहेगा, मेडिकल सब्जेक्ट रहेगा। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को पास करने के बाद आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नीट, एम्स, जिपमर, ऐसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, इसमें से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एमबीबीएस के लिए सक्षम व्यक्ति बन जाते हैं। आप एमबीबीएस 5.5 साल का जो एमबीबीएस का कोर्स होता है वो जाके कर सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आपको एमडी डर्मेटोलॉजी कोर्स करना पड़ेगा, मीन्स मास्टर ऑफ डर्मेटोलॉजी करना पड़ेगा। मास्टर ऑफ डर्मेटोलॉजी करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम जो होता है पीजी, नीट पीजी, उसको क्रैक करना पड़ेगा। नीट पीजी के एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एमसीआई, मीन्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि किसी भी डॉक्टर को एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनाता है, मतलब कि रजिस्टर करता है, उससे आप रजिस्टर हो जाएंगे एमसीआई से। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो एमडी डर्मेटोलॉजी का कोर्स होता है उसके दौरान हम लोग क्या पढ़ते हैं उस समय। तो जो एमडी डर्मेटोलॉजी का कोर्स होता है, मींस मास्टर ऑफ डर्मेटोलॉजी का जो कोर्स होता है, उसमें हम लोग ये समझते हैं कि हाउ टू इवेलुएट कॉमन स्किन डिजीज, मतलब कि हम लोग कैसे छोटे छोटे स्किन चर्म रोग को कैसे हम लोग मतलब कि ठीक कर सकते हैं। उसके दूसरा चीज कि जैसे कोई भी इमरजेंसी आया, जैसे कि अभी जैसे कोरोना है, एक इमरजेंसी है, तो इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग किया होगा वो इस इमरजेंसी को देखेगा। उसी तरह अभी जो स्किन से रिलेटेड इमरजेंसी होता है, जैसे कि TEN ऐसा इमरजेंसी होता है, और पेम्फिगस ये भी एक बीमारी है जो मतलब कि इमरजेंसी में आता है, पेम्फिगस एंड एंजियोडेमा, ये 3-4 है जो मतलब आते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। तीसरा चीज है कि आप लोग मतलब कि पेडियाट्रिक केस, जो नवजात शिशु होता है उसका जो केस होता है, उसमें उसका जो स्किन डिजीज होता है उसको देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि एमडी डर्मेटोलॉजी करने के लिए टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन है, मतलब कि सबसे ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज जो नामियल है वो कौन कौन है। तो उसमें का जो पहला कॉलेज है वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में है, और दूसरा जो है वो है बेलगम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बेल्जियम में है। तीसरा जो कॉलेज है वो है गुवाहाटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि गुवाहाटी में है। एक गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। और अगर हम लोग टॉप प्राइवेट कॉलेज का बात करते हैं, जिसमें हम लोग जानते ही हैं कि कितना रुपया लगता है, लाखों लग जाता है रुपया, उसका बात करें तो उसमें दयानंद कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस लुधियाना में है। जो दूसरा प्राइवेट कॉलेज है उसका नाम है स्वीता कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि चेन्नई में है। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ मच पे वी हैव टू पे टू क्लियर दिस कोर्स, मतलब कि इस कोर्स को क्लियर करने में हम कितना रुपए लग सकता है। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से गए तो बहुत ही कम रुपया में हो जाता है, सालाना लगता है 5,000 से 10,000 रुपया, इसी के बीच में लगता है। और अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज से गए तो उसमें बहुत ज्यादा रुपया लगता है, जैसे कि 20 लाख से 25 लाख रुपया लग जाएगा सालाना। तो गवर्नमेंट कॉलेज हम लोग जानते हैं सबसे बेस्ट है। तो अगर हम लोग अब बात करें कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के बाद, मतलब कि एमसीआई से रजिस्टर होने के बाद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट कितना अर्न कर सकता है, तो ये तो जो है उसके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वर्क करते हैं, जैसे कि एम्स के जो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट होगा उसमें जाके वर्क करते हैं, तो 40,000 से 45,000, इसी तरह इसी के बीच में जो मंथली है इनकम जो है इसी के बीच में है, 40,000 से 45,000। और उसके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, मतलब कि उसका जैसे जैसे मतलब कि प्रैक्टिस
ज्यादा होते जाएगा उसे ही उसका सैलरी जो है वो भी बढ़ता जाएगा। अगर वो चाहता है कि मैं गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें ना वर्क करके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करूं, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं मतलब कि अपना कोई स्किन सेंटर खोल के वर्क करूं, तो उसमें उसका तो कोई था ही पता नहीं है, मतलब कि वो कितना भी अर्न कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज पेशेंट, उसके पास कितने पेशेंट है, जितने ज्यादा पेशेंट आएंगे उतना अर्न कर सकता है। होपफुली मैं आपको डर्मेटोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से समझा पाया हूंगा। अगर कोई आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो कि मतलब कि डर्मेटोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।